हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीए के छठे सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही आत्मकथा झूठन का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। इस आत्मकथा के पढ़ाए जाने से प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ रहे दलित छात्रों के बीच आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इस आत्मकथा को पाठ्यक्रम से हटाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल ने संजय शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। इस बारे में समाज सेवी संजय शर्मा ने बताया कि सन 1965 में क्रांतिकारी एवं साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आत्मकथा झूठन प्रकाशित हुई और उसका अंग्रेजी अनुवाद किया। अरुण प्रभा मुखर्जी ने और यही अनुवादित किताब साल 2011 में रूसा के तहत बच्चों को पढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि छठे सेमेस्टर में झूठन की विस्तार पूर्वक पढ़ाई करवाई जाती है और वार्षिक परीक्षा में 40 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह है जो कि दशकों पूर्व देश में अलग अलग जातियों के बीच संबंधों और छुआछूत पर घटित घटनाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को एक समान नजर से देखा जाता है। ऐसे में कॉलेज के विद्यार्थियों को झूठन पढ़ाए जाने से दो जातियों के बच्चों के बीच मतभेद पैदा हो रहा है। इस पाठ्यक्रम के पढ़ने से छात्रों के बीच न केवल खाई बन रही है बल्कि एक दूसरे के प्रति जातिगत आधार पर द्वेष की भावना पैदा हो रही है। इतना ही नहीं, झूठन में कई ऐसी जाति सूचक शब्द हैं जिन पर काफी समय पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने पर न्यायालय को दंड देने का भी अधिकार दिया गया है। अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के अनुसार कक्षा में झूठन पढ़ाने पर कई बार दो जातियों के बच्चों के बीच आपसी दोस्ती भी टूटी है और कई बार दूसरे सहपाठियों को घृणा की दृष्टि से देखा गया है। क्या क्या है? देखिए सर, आज का जो ज्ञापन था थ्रू बीसी टू पीएम ऑफ इंडिया एंड सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो इस विषय को लेकर था कि हिमाचल यूनिवर्सिटी में जो है वो एक बुक एमएससी सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है, हिंदी में थी ये बुक, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है और ये दलित साहित्य को लेकर बुक है। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी साहित्यकार हुए हैं मिस्टर वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ये उनकी जीवनी पर, उनका जो बायोग्राफी है उस पर आधारित है बुक, ये उनकी अपनी जीवनी है। तो ये बुक 1965 में आई थी और इस बुक में जातीय भेदभाव को लेकर बहुत सारे मतलब गलत तरीके से बातें लिखी गई हैं, मतलब गलत तरीके जो आज की डेट में जिन्हें गलत बोला जाता है, गैरकानूनी बोला जा सकता है। इस बुक में जातीय भेदभाव को लेकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, दबा के जाति सूचक, हम लोग बुक को गलत नहीं ठहरा रहे हैं लेकिन इस बुक का कॉलेज में पढ़ाया जाना वो गलत है। इससे जो छात्रों में, नई जनरेशन में जो जातीय भेदभाव फिर द्वारा पटकने की कोशिश, क्योंकि 1965 में जो परिस्थितियां रही थी वो शायद आज नहीं है दलित समाज के प्रति, वो हो सकता है उनके वो कड़वे अनुभव रहे हों उस समय की बात है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं। आज हमारे देश के जो प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति जी हैं वो भी एक दलित समाज से आते हैं, तो आज ये सारे भेदभाव जो खत्म हो रहा है और इस बुक के जरिए ये भेदभाव मतलब हिंसा फैलने का भी बहुत सारा खतरा है, तो उस विषय में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है ताकि इस बुक को हटाया जाए, दलित साहित्य पढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा साहित्य पढ़ाया जाए जिससे आपसी सामंजस्य बैठे, जातियों में भेदभाव न पनपे। जी, थैंक यू।